अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे, जाम ही होंगे, खुश होंगे। तो बस अभी मैं उठा हूँ, बाकी ये टाइम अभी हो गया तकरीबन 7:11 हो गए हैं। तो हमने जाना अपने कॉलेज में तकरीबन 8 बजे, क्योंकि उन्होंने कहा अपने कॉलेज के टाइम पे ही आना, पर हमारा खाली लगता है 7:45। तो हम जाएंगे 8 बजे, 15 मिनट लेट ही जाएंगे। कहाँ से आते हैं? तो आज हमारे कॉलेज में ईद मिलन पार्टी, तो बस अभी उधर जाना है। अभी तकरीबन 8 बजे हम जाएंगे कॉलेज, बिहार शहर होते हैं, तो फिर चलते हैं उधर। और बाकी कॉलेज में मुझे इतना लगता तो नहीं है प्रोग्राम है शायद, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे वगैरह तो नहीं लिए, फ्री वाला काम है। तो फ्री वाला काम तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैसा होता है। तो पता नहीं अब क्या सीन है, अब चलते हैं कॉलेज, तो फिर देखते हैं कि क्या कोई सीन। अभी बाकी आप ये जो व्लॉग देख रहे हैं, ये मैं बना रहा हूँ जी अपने न्यू आईफोन से, जो पिछली वीडियो में मैंने अनबॉक्स किया था, आपको दिखाया था। तो इंशाल्लाह उसका भी रिव्यू करूँगा मैं, उसमें कुछ गेम पबजी वगैरह भी खेलेंगे, उसका टेस्ट करेंगे कैसे ग्राफिक आते हैं। उसके अलावा बाकी कैमरा क्वालिटी तो आप देख रहे होंगे, ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ ये 4K 60 FPS पे, तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है। बाकी आप ये सुबह सुबह कभी मौसम देख रहे होंगे, ये अभी ये देखें, ये नीचे हमारा लॉन, इसमें मैं आपको दिखाऊँगा ये इसके अंदर कौन कौन से पौधे लगे हैं। तो ये जो अंगूर लगे इसके साथ अभी काफ़ी माशाल्लाह फल पड़े हुए बहुत सारा, ये अभी जब पकेगा तो फिर उतारेंगे इंशाल्लाह। तो ये बाकी मैं आपको बाद में इंशाल्लाह अपना लॉन दिखाऊंगा, इधर बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं, तो अम्मी ने लगाए हैं बस। तो अभी चलते हैं जी नीचे, तैयार होते हैं तो फिर मिलते हैं आपको। बाकी जनाब जी पता नहीं हमारे बुज़ुर्ग किधर गए हैं, उनको मैं ढूंढ रहा हूँ, सुबह इधर सो रहे थे इधर इस जगह पर, तो अभी पता नहीं किधर गए हैं, कहीं भाग गया मेरे ख्याल में, रात सो सोया हुआ था, पता नहीं अभी किधर गया। अरे जरा अभी मैंने मोबाइल कवर अपना ऊपर ही रख दिया था, वो भी लेने आया हूँ, ये पड़ा हुआ, ये अभी उठाते हैं, ये मैंने इधर ही रख दिया था। उसके अलावा ये है जी मेरा गेमिंग सेटअप, ये पड़ा है गेमिंग कीबोर्ड है, ये वाला गेमिंग माउस है, गेमिंग हेडफोन, और ये देख सकते हैं टेबल कितना अभी वाला, ये गेमिंग वाला कैसा लगा। सबसे मेन चीज़ देख रहा है ये, वो आपको भी मैंने नहीं दिखाई, ये है जी गेमिंग मेरी चेयर, ये वाली, ये मेरे घर बहुत सारी पड़ी हैं, ये अगर किसी को चाहिए हो तो होम डिलीवरी हो जाएगी। बाकी जनाब जी मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखें जी, ये इसका नाम है तुलसी, ये बोलती है, अभी देखें जी, ये मैं जब गया था ना उमरे पे, उधर से मैं लाया था ये एक मिनट, तुलसी जरा ब्यूटी दिखाओ, हेलो। तो ये जनाब जी ये मैं उधर से लाया था, बस पसंद आ गया था वैसे ही मैंने ले लिया था ये। पुष्पा बनेगा कपड़े छपड़े तो डाल दिए हैं, आपका भाई रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो बस अभी वो एक दोस्त की गाल आई, वो कह रहा मैं पहुंच गया हूँ तो आ जाओ, तो बस अभी जाते हैं कॉलेज और फिर मिलते हैं आपको। तो हर बार की तरह बस अभी पहले अपना बाइक निकालते हैं और फिर जाते हैं, ये खड़ा है भाई, तो अभी दरवाज़ा खोल दिया बस अभी जाते हैं। तो बाइक तो बिल्कुल जनाब जी रेडी शेडी होकर खड़ा है, तो इसकी सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में करवाई थी, तो वो जिसने नहीं देखी जाके मेरे चैनल पे देख ले। तो अभी चलते हैं जनाब जी। अभी जनाब जी कॉलेज तो पहुंच गए हैं, ये हमारा कॉलेज जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था अपना, बहुत रात टाइम तो नज़र नहीं आया आपको, ये बैठे हमारे अंकल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल। ये है जनाब जी हमारा कॉलेज, ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था उस टाइम रात थी तो इस वजह से, तो ये है वो ऊपर जो सामने क्लास है ना, वो सामने दरमियान में वो हमारी क्लास है, बाकी इधर ऑफिस और वो ऊपर स्टाफ रूम बना हुआ है।
अभी चलते हैं ऊपर क्लास में, फिर मिलते हैं आपको। हम तो जाते हैं जनाब जी इधर से स्टाफ रूम से जाते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट लेते हैं। ये हमारे सर खड़े हैं, ये बाकी जनाब जब क्लास में पहुँच गए हैं, ये खड़ा है जी अनीक और ये है मेरा दोस्त अहमद। बाकी अभी क्लास में कोई भी नहीं आया, दो तीन लड़के आए हैं तो क्या पता अभी देर पे आएंगे। एक चीज़ नोटिस की आपने सामने कैमरा, एक ऊपर ये ऊपर वाले फ्लोर पर हमारी क्लास में कैमरा लगा और एक बाहर लगा, बाकी इधर किसी क्लास में भी नहीं। और ये शदेव, बाकी जनाब इधर अभी फोटो शूट चल रहा है। ये खड़ा है जनाब जी अहमद, सलाम करें। अस्सलाम। बाकी हम दोनों ने तकरीबन शुरू से इकट्ठा पढ़ा है, तकरीबन वन क्लास या नर्सरी क्लास हमने तकरीबन इकट्ठा पढ़ा, वो पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा था हमने। तो फिर अभी हम इस कॉलेज में भी आ गए हैं, तो अभी हमारा फर्स्ट ईयर तकरीबन कंप्लीट होने वाला है, इसमें हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, फिर इसके बाद सेकेंड ईयर, उसके बाद फिर इंशाल्लाह देखेंगे आगे क्या करना है। तो बाकी अभी ये देखें जी हमारे कॉलेज के नीचे ये है कस ये नीचे अभी इधर कुछ चीज़ तो नहीं है, बाकी ये सामने मकान वगैरह बने हैं। तो कॉलेज हमारा इतना बड़ा नहीं है, तकरीबन छोटा सा ही है। अभी हम दूसरे क्लास में आए, कम वाले क्लास में आए, इधर कैमरा नहीं है, कैमरा सिर्फ हमारी क्लास में लगा या बाहर हाल में लगा है, वो सामने लगा वो कोने में, बाकी तकरीबन और इधर नहीं, ऊपर वाले फ्लोर में किसी जगह पर कैमरा नहीं है। बाकी ये इधर हमारे कॉलेज का बना हुआ है, ये हाल है, इधर एग्ज़ाम पेपर वगैरह हम देते हैं बैठ के। ये तकरीबन इतना बड़ा तो नहीं है, पर जितने कॉलेज में तकरीबन स्ट्रेंथ है उस हिसाब से ठीक है, इधर हमारे पेपर होते हैं। और बाकी ये इधर लाइब्रेरी बननी है अंदर, ये इधर लेबॉरेटरी, ये इधर फिजिक्स लैब, और आगे वो दूसरा कुछ बना हुआ वो भी लैब है। बाकी इधर लाइब्रेरी है, मैं इधर जाता हूँ अंदर वो दिखाता हूँ। ये इधर से नज़र आ रही, ये सर बैठे हैं इधर काम कर रहे हैं अपना, बाद में फिर जाएंगे अंदर। बाकी वो सामने कैंटीन बनी है, वो जो कोने पे वो कैंटीन है। बाकी ये अभी बस थोड़े से लड़के आए हैं कुछ हमारे क्लास के, डिप्टी ना डिप्टी है दैन, हाँ डिप्टी साहब आ गए हैं और तीन चार लड़के और आए हैं। तो अभी जनाब जी टाइम हो गया 9:30, तो अभी तक तो कोई नहीं, बस लड़के बहुत कम आए हैं, कुछ आ गए तकरीबन, ये आ गए हैं सामने, बाकी ये सर खड़े हैं उधर, लड़के खड़े हैं तो कुछ ऊपर हैं, बाकी अभी तकरीबन नहीं आए, सेकंड ईयर वाले तो आए नहीं हैं जिनकी पार्टी थी, बाकी तकरीबन कम ही है लड़के। अभी जनाब जी टाइम तो काफ़ी हो गया, तो अभी कोई पार्टी वगैरह का कोई सीन नहीं, अभी लड़के आए नहीं हैं तकरीबन हमारी क्लास से, फर्स्ट ईयर के कुछ आए हैं, बाकी सेकंड ईयर के कुछ थोड़े बहुत लड़के आए हैं। तो एक लड़का भी लेके आया हुआ था चावल, तो बस अभी वही बैठे हैं सारे खाने, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ये वो लेके आया, वो जो सामने बैठा हुआ जो अमान फैसल लेके आया, बस अभी वही खाते हैं तो फिर मिलते हैं आपको। तो ये है जनाब जी चावल, ये जो लेके आया अमान फैसल, अभी इसको खाते हैं फिर। अभी आप देख सकते हैं इधर कॉलेज में ना बंदा है, ना बंदे की बात है, पता है कुत्ता मारे आप, ये तो ईद मिलन पार्टी है, कभी आपने यहाँ पार्टी देखी होगी ना तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कोई बंदा नज़र आ रहा है, वाह जी वाह। तो अभी बस जरा अभी तकरीबन टाइम हो गया 12:30 का, तो अभी जा रहे हैं बाहर क्रिकेट खेलने, तो ये सारे लड़के चले गए तकरीबन, तो हम ही रह गए, बस अभी जाते हैं ग्राउंड में और फिर मिलते हैं आप।
अभी जनाब जी कॉलेज से तो आ गए रेलवे ग्राउंड में, तो अभी लड़के भी नहीं है इधर, थोड़े से हम बस कुछ तो कुछ थोड़ी देर खेलते हैं, फिर उसके बाद जाते हैं इधर से, अभी विकेट वगैरह लगाते हैं ना तो फिर खेलते हैं क्रिकेट भी। बाकी पार्टी जो है ये तो ऐसी पार्टी कभी भी नहीं मिलती भाई। आपको मैं अपना पहला स्कूल दिखा दूँ, वो सामने बना हुआ है, ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ना इसके बिल्कुल साथ बना हुआ है, उधर मैं पहले पढ़ता था, वो उधर हमारा स्कूल था पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल, तो उधर भी पार्टी होती थी, तो उधर भी पार्टी होती थी तो मज़ा आता था, पर इधर तो कोई अजीब सी पार्टी हुई है, ईद मिलन पार्टी, ना बच्चे आए हैं ना कुछ, आप लोग भी बोर ही हुए होंगे, तो चलो जैसे भी वीडियो लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी अमान फैसला भी आया जी बैटिंग पे, और पीछे खड़ा है अनीक, बॉलिंग करा रहा है उमेर, तो बाकी ये सारा जनाब जी रेलवे ग्राउंड है, जो मैंने आपको पहले भी एक दो वीडियो में दिखा चुका हूँ, इधर काफ़ी सारी पिचें बनी हैं, ये बनी हैं, वो आगे बनी हैं, ये बनी हैं, इधर सामने बनी हैं, तो इधर शाम के टाइम काफ़ी रश होता है, पठान आते हैं बहुत सारे और भी बहुत सारे, तो शाम के टाइम ये ग्राउंड भरा होता है इधर। बाकी जनाब जब भी वो कोई बाल घूम गए यानी कि वो अमान ढूंढने गया हुआ है, वो देखें जी अभी मिल रही है, ये अभी ढूंढ रहा है, मेरे ख्याल में मिल गई है, चलो खेलते हैं फिर आपको मिलते हैं अभी। तो जनाब जी क्रिकेट वगैरह खेल के तो घर आ गए थे, दिल तो था कुछ खाने पीने का, वही सीन करते पर वो क्रिकेट पर उन्होंने लेट कर दिया था, छुट्टी का टाइम हो गया था, तो वो लड़कों की गाड़ी आ गई थी, तो इसके वजह से फिर हम कहीं गए नहीं खाने के लिए, तो उसके बाद में कुछ काम था तो वो करने लग पड़ा था, इस वजह से व्लॉग एंड करना था वो याद नहीं रही यार। मैंने आपको पार्टी के बारे में पहले ही बता दिया था कि फ्री वाला काम है, तो फिर समझ जाओ, तो फ्री वाला काम आज आपने देख लिया ना कैसा होता है फ्री वाला काम, तो ऐसे ही बिल्कुल बस सारा दिन तकरीबन बोर ही गुजरे। चलें तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।